Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. This is called guilty face. कल हमसे गलती हो गई, पबजी पीसी लाइट की जगह हमने पबजी मोबाइल लाइट बोल दिया। आधे से ज़्यादा लोगों को हमने मिनी हार्ट अटैक दे दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतने दिन से पबजी मोबाइल के न्यूज़ दे दे के मेरे दिमाग में मोबाइल घुस गया, हमने वहाँ पर भी मोबाइल को घुसेड़ दिया था। ऐसे रेयरली कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है, वरना हमारे टेक्नोस में हम ऐसा कभी नहीं करते, हमेशा आपको पक्की खबर देते। तो उसके लिए अगर हमने गलती किया है तो यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। होप यू विल फॉरगिव मी। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप पूरा दिन क्या करते, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा सोशल मीडिया, क्या बात है, उसके बाद गेमिंग, और उसके बाद सब लेजेंड्स जिन्होंने कहा ऑल ऑफ द अबव, क्या बात है। आज हमने किया है दोस्तों, क्या किया, मोटो जी 40 की अनबॉक्सिंग। ये बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था, तो उसके ऊपर हमने किया। अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, लाइक करिए दोस्तों, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं यार, 30-40 हज़ार आज तो मुझे लगता है बहुत आएगा। लाइक करिए फटाफट से, आज की टेक्निक शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों इंडिया से आ रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आईआईटी मद्रास में एक स्टार्टअप है वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, उन्होंने इंडिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। सोचो हम छोटी मोटी चीजें बनाते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन से, इन्होंने पूरा के पूरा घर बना दिया है, 600 स्क्वायर फीट का है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इसमें एक स्पेशल कॉन्क्रीट का हमने इस्तेमाल किया है। खैर उसके बाद हमें ये नहीं पता कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है, रेन प्रूफ है या नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो इंडिया में हमने किया है कि पूरा के पूरा हमने 3D प्रिंटेड हाउस बना दिया है। खैर मुझे डर लग रहा है कि कल को ये मशीन कहीं छावा लोगों के हाथ में आ गई, यानी कि मजनू लोगों के हाथ में आ गई, तो 3D प्रिंटिंग गर्लफ्रेंड ना बना दे किधर, वैसे तो मिलती नहीं है ना, तो वैसे ही काम चला लेंगे। GTA फैंस इंक्लूडिंग मी, अपनी कुर्सी की पेटी थामे रखिएगा, क्योंकि बड़ी ही जल्दी हमें रॉकस्टार की तरफ से कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स मिल सकती है। अभी GTA 6 से इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन लग तो वैसे ही रहा है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल, इन्होंने ये खबर लेके आई है कि GTA के जो डेवलपर्स है रॉकस्टार्स, उन्होंने दोस्तों कुछ जॉब प्रोफाइल्स के लिए ऑनलाइन छोड़ दिया है, लिस्ट कर दिया है, जहां पर उसमें एडिनबर्ग है, इंडिया भी है और एक और कंट्री है, और वो दोस्तों कुछ ऐसे लोग चाह रहे हैं जो उनके अपकमिंग गेम्स को टेस्ट कर सके, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स है, और इंडिया के लिए भी अलग टाइटल्स है, जैसे कि आपने कभी कोई पुराने रॉकस्टार की गेम खेला है, नहीं खेला है, तो इस तरीके से जॉब प्रोफाइल्स बाहर आ गए। और लीक्स यहाँ पर ये बोलती है कि ये GTA 6 के लिए वो इन सारे लोगों को हायर करिए, ताकि ये गेम को वो टेस्ट करे, उसके बाद ये गेम हमें इस साल या मे बी 2022 में देखने को मिल जाए। तो ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, और मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा कि इंडिया के लिए भी उन्होंने इस चीज को लिस्ट कर दिया है। क्या लगता है दोस्तों, GTA 6 आ सकता है इस साल, अगले साल? कमेंट में ना जरूर से बताना। दोस्तों गूगल की तरफ से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ये खबर सुनकर ना मुझे मतलब थोड़ा अलग ही लगा। गूगल वालों ने बताया हाल ही के अंदर उनकी Q1 2021 के कुछ उन्होंने प्रॉफिट्स के बारे में बताया, और उन्होंने ये बताया कि उनको 2,000 करोड़ का फायदा हो गया। आपको बताया क्यों? क्योंकि उन्होंने कोविड की वजह से ट्रैवलिंग नहीं किया, इवेंट्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह ज़्यादा नहीं हुई, उस हिसाब से दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर सामने आई कि उनको इतना प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट उनके जितने भी जो वर्कर्स हैं वो कहीं ट्रैवल नहीं करते, घर बैठ के आजकल काम कर रहे हैं, तो उसका मिलाकर मैं आपको बोल रहा हूँ 2020 का अगर पूरा साल का उठा ले दोस्तों, तो उनको 8,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है सिर्फ इन चीज़ों से, जो एक बहुत ही बड़ी खबर है। सोचो दोस्तों 8,000 करोड़ किसको बोलते हैं। कल को तो मुझे लगता है अगर ये सब कुछ सही भी हो जाए कोविड, उसके बाद कहीं सुंदर पिचाय बोलेंगे इवेंट कैंसिल, तभी ठीक नहीं है 10,000 करोड़ का फायदा। दोस्तों दिवाली जो है हम थोड़ा जल्दी मना लेते हैं, हाँ थोड़ा टाइम है लेकिन हम थोड़ा जल्दी मना लेते हैं। इनफैक्ट Xiaomi मना रहा है, Redmi Note 9 या मे बी Redmi Note 9 Pro, ये जो फोन है दोस्तों ब्लास्ट हो गया। यस, उसमें से धुआं और आग निकलने लगी। प्रियंका पावरा जी, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के पास ये फोन था, उसमें से ऐसी ऐसी चीजें आवाज आ रही थी, ये ब्लास्ट हो गया, धुआं निकला वगैरह, तुरंत उस बंदे ने पानी में डाल दिया और वो हम लोग मतलब सेफ हो गए। इस बात पर Xiaomi ने तुरंत उनको रिप्लाई दिया, अच्छी बात है, लेकिन बाद में इंटरनली ऐसा पता चल रहा है कि Xiaomi बता रहा है कि भाई शायद एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल किया गया है जब जाके ये ब्लास्ट हुआ, वरना ऐसे ये फोन ब्लास्ट नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है इंटरनली। बाकी उसके बारे में ऑफिशियली अभी Xiaomi वालों ने कुछ बताया नहीं, लेकिन ये जो ब्लास्ट की खबर है दोस्तों ये पहली बार Xiaomi के साथ नहीं हुई, इसके पहले भी कुछ फोन्स में उनके साथ हुआ था। Xiaomi के बहुत सारी कंपनीज के एक आध दो फोन्स में ये हो जाता है, ये इत्तेफाक की बात भी हो सकती है। तो इसके बारे में कुछ कहना है दोस्तों, रैंडम थॉट्स,
कमेंट में जरूर से बताना। लगे तो दोस्तों Xiaomi वालों ने यानी कि Redmi इंडिया ने एक नया टीजर यहां पर ट्विटर के ऊपर डाल दिया, जहां पर एक फोटो उन्होंने बताई जिस पर वो एक बॉक्स है फोन का ऑब्वियसली, लेकिन उस पर उस फोन की सारी हाईलाइटिंग फीचर्स उन्होंने मेंशन कर दिया है। 64 मेगापिक्सल कैमरा, MIUI 12.5, यस फास्टेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, बड़ी बैटरी की बात हो रही है और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वगैरह की बात हो रही है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनके अपकमिंग Redmi फोन की। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये Redmi Note 10S होगा जो ग्लोबली Helio G95 के साथ में लॉन्च हुआ था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अगर MIUI 12.5 के साथ आता है फिर तो टेस्टिंग बनती ही बनती है। वैसे क्या लगता है दोस्तों इस फोन के बारे में, आने दीजिए, आपको सब कुछ बताएंगे टेक्नोलॉजी चैनल पर, आप बने रहिएगा। एक और खबर आ रही है, सुन लीजिए, Xiaomi वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। अकॉर्डिंग टू ये नाम मेरे को समझता नहीं, आपको अगर होता तो प्रोनाउंस करके बताना। खैर जैसे कि Vivo में एक्सटेंडेड रैम है, अभी Realme वालों ने भी डायनेमिक रैम एक्सपेंशन वगैरह दिया ना, तो वैसी सेम रैम एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी पर Xiaomi काम कर रहा है, बड़ी ही जल्दी MIUI में उसका सपोर्ट आएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। तो अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है दोस्तों स्टोरेज को वर्चुअल रैम में ले रहे वगैरह, तो अभी Xiaomi भी दोस्तों इसमें एंटर कर रहा है, देखते हैं ये कितना सही तरीके से काम करता है, थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। नथिंग यार, नथिंग, कुछ नहीं, छोड़ जाने तो, ये खुद ही इंटरेस्ट नहीं है कंपनी वाले तो हम क्या करें, नाम ही ऐसा रखा नथिंग। खैर ये जो नथिंग है, कालपी जो OnePlus के को फाउंडर थे ना, उनकी खुद की कंपनी है नथिंग, और उनका पहला प्रोडक्ट जो है वो वायरलेस ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह आने वाला है। खैर उन्होंने दोस्तों इंडिया के लिए मेगा विश्वनाथ जी को अपॉइंट किया है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, वो PR वगैरह में, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो नथिंग जो कंपनी है वो इंडिया में भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहती है और बड़ी जल्दी इंडिया में आएंगे और इनके प्रोडक्ट्स भी आपको ऑफिशियली इंडिया में मिलेंगे। अरे इंडिया में क्यों नहीं आएंगे भाई, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी मार्केट है, लोगों को हमने ऐसे दान में इतने मतलब पैसे दे दिए और कंपनीज को तो हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो नथिंग को भी हम कुछ ना कुछ बना के छोड़ेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर भी आप इसको समझ सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर देखिए 2020 में तो ठीक था, 2021 में भी कोविड का कुछ ज़्यादा ही आउटब्रेक हो गया है, बहुत परेशान हो गए हम। और अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूँ, टेक पर बात करूँ इसके इफेक्ट की, तो बताया जा रहा है कि मिड ऑफ 2021 के बाद में अकॉर्डिंग टू कैनलिस उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसका जो 80% इम्पैक्ट होगा वो अंडर 20 या अंडर 15,000 वाले फ़ोन्स पर होगा, क्योंकि ज़्यादातर बजट फोन्स इंडिया में बहुत लॉन्च होते हैं, प्रीमियम तो काफ़ी कम होते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अगर शायद आपने इस वक्त फ़ोन परचेस किया तो मे बी आप लकी होगे, क्योंकि आगे चल के सब फोन्स की प्राइस बहुत बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है तो मे बी शायद ये हो भी सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई फोन्स की प्राइस आगे बढ़ सकती है क्योंकि चिप शॉर्टेज भी बहुत हो रही है, ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है और ये बहुत बुरी खबर है। आज जाने देते हैं, आज कर लीजिए, मौज कर लीजिए, क्योंकि आज दोस्तों, आज नहीं कल हुआ था ये सीन और इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। PUBG मोबाइल इंडिया जो है उनका जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर ट्रेलर आ गए थे दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये गलती से नहीं होता है, ये किया जाता है ताकि एक हाइप मची रहे और आपके दिल में बोलते ना एक उमंग जागती रहे कि भाई हम आ रहे हैं, बने रहिएगा। तो ये बस ट्रेलर था, एक हिंट था, बहुत ही जल्दी हमें ऑफिशियली गेम देखने को मिलेगा और हम भी उसका पूरा गेम प्ले करेंगे, जो न्यू वर्जन होगा ऑल टुगेदर, मतलब PUBG मोबाइल इंडिया थोड़े चेंजेस करके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न होगा जो क्राफ्टन यहाँ पर फिक्स्ड करेगा, और उसके बाद दोस्तों मजा आ जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो हम हमारे फोन्स में फिर PUBG मोबाइल की जब हम गेम प्ले करते हैं तो टेस्टिंग भी चालू कर देंगे, इतना बड़ा रिलीफ मिला। तो इस खुशी के मारे आज मैं कोनी नहीं मारेगा, आज मैं चुम्मा देगा अनिल कपूर की तरह, बात चुम्मा से चुम्मा, थोड़ा मवाली गिरी होगी यार। क्या पता कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला ऑटो फोकस वाला कैमरा कौन सा था? ऑटो फोकस वाला पोलारॉइड करके एक कंपनी है, मशहूर पुरानी कंपनी है, उन्होंने SLR करके कैमरा 1979 में लेके आया था जिसमें ऑटो फोकस वाला फीचर था। यस, आज की न्यूज खत्म होने, आपको आज की न्यूज पसंद आएगी, पसंद आएगी आई ना, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।